होता है, घरेलू मक्खी जो होता है हेड एंड माउथ पार्ट बता रही हूँ। घरेलू मक्खी जो माउथ पार्ट, देखिए इसका डायग्राम है, ये देखिए ये पूरा डायग्राम है, देखिए इसमें कंपाउंड आइस पाई जाती है, ये दो जो आपको अलग से दिख रहा है ऐसा जाली जाती है, ये दोनों क्या कंपाउंड आइस पाई जाती है, वो सिलाई पाई जाता है। देखिए वो सिलाई क्या होती है, तीन पेयर में होते हैं और ये होती है एक प्लेट है, इसमें वो सिलाई पाई जाती है। ये तीन लिमनेस पाया जाता है, जेना पाया जाता है, ये एंटीना है, ये एंटीना कहलाते हैं, ये ऐसे ऐसे निकले हुए जो भाग है रोस्टम कहलाते हैं, ये फॉरेंस वाला भाग कहलाता है। इसके बाद देखिए इसमें क्या पाया जाता है, एपिफैरिंग्स, ये वाले भाग जो एपिफैरिंग्स कहलाता है, ये देखिए ये वाला भाग। इसके बाद होता है होस्टेट पाया जाता है, ये वाला जो भाग है मैक्सिलरी पैपिला, जो दो निकले हुए भाग है मैक्सिलरी पैपिला कहलाते हैं, ये क्या है लेबियम कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, जो मक्खी जो होती है घरेलू मक्खी है जो हाउस फ्लाई जो होता है उसके सिर का और उसके जो माउथ पार्ट जो होते हैं उनका भाग है। देखिए जो सिर में भी उसके क्या लगे हुए होते हैं, माउथ पार्ट्स लगे हुए थे। तो डायग्राम के बारे में बता सकते हैं कि ये डायग्राम बनाया है, तो इसमें आपको कंपाउंड आइस भी दिख रही है, एंटीना भी दिख रहे हैं, रोस्टर भी दिखाई दे रहा है, मैक्सिलरी पैल्प भी दिखाई दे रहे हैं, देन एपिफैरिंक्स भी दिखाई दे रहा है, लेबियम भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है पैरोल भाग वाला भाग, जिसे डॉट जैसा भाग दिखाई दे रहा है, वो सिलाई तीन पेयर जो है ये इसमें पाए जाते हैं, वो सिलाई प्लेट पाई जाती है। इसका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ रहा है, देखिए टू कंपाउंड आइस द थ्री आर वो सिलाई इन द पेयर पेयर और एंटीना। देखिए क्या होता है टू कंपाउंड आइस, इसमें क्या पाई जाती है दो कंपाउंड आइस जो आपको अलग से जैसा दिखाई दे रहा है, क्या दो कंपाउंड आइस है, इसमें टू कंपाउंड आइस पाई जाती है, देन थ्री वो सिलाई। आप अगर से आपको कॉमेंट लिखना होगा तो क्या लिखेंगे कि टू इसमें टू कंपाउंड आइस होते हैं, थ्री वो सिलाई वाला भाग पाया जाता है, वन पेयर एंटीना पाया जाता है, एक एक जोड़ा क्या पाया जाता है इसमें एंटीना पाया जाता है। देखिए एंटीना वाला भाग है तो एक जोड़ा एंटीना पाया जाता है, माउथ पार्ट आर द फाउंडेड द हेड, और जो माउथ पार्ट जो होता है माउथ पार्ट कहां पे बनता है, हेड वाला जो भाग होता है माउथ पार्ट आर द फाउंडेड हेड एंड द हाउस फ्लाई में, जो हाउस फ्लाई होता है उसमें देखिए दो कंपाउंड आइस आपको कितना क्लियर हो गया। अब स्ट्रक्चर बनाओगे तो दो कंपाउंड आइस है, एंटीना है, ओसिलाई है जिसमें इसके थ्री डॉट दिखाई दे, तीन पेयर में पाया जाता है, देन ये ओसिलाई प्लेट है। माउथ पार्ट आर द स्पॉन्जुलर टाइप, स्पॉन्ज के स्पॉन्जिंग जो माउथ पार्ट जो होते हैं किसके समान होते हैं, स्पॉन्जिंग के प्रकार का होता है, स्पॉन्जिंग प्रकार का होता है, क्योंकि क्या माउथ पार्ट कभी एग्जामिनर पूछते हैं कि हाउस फ्लाई का माउथ पार्ट कैसा होता है, तो माउथ पार्ट आर ऑफ स्पॉन्जिंग टाइप, किस प्रकार का होता है स्पॉन्जिंग टाइप का होता है। प्रोबोसिस इज द मेन पार्ट ऑफ द टेकिंग फूड, जो प्रोबोसिस वाला भाग जो होता है, जो प्रोबोसिस भाग है यहाँ पे, तो प्रोबोसिस भाग जो होता है मुख्य काम क्या करता है, भोजन ग्रहण करने का या भोजन का टेकिंग फूड, भोजन को लेने के लिए प्रोबोसिस का यूज होता है। तो प्रोबोसिस इज द मेन पार्ट ऑफ द टेकिंग फूड, जिसके निर्माण किससे होता है, प्रोबोसिस का निर्माण किससे होता है, देखिए एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि प्रोबोसिस का यूज क्या है, तो प्रोबोसिस इज द मेन पार्ट ऑफ द टेकिंग फूड, जो भोजन लेते हैं उसका मेन पार्ट जो टेकिंग का भाग का होता है वो कौन कहलाता है, प्रोबोसिस कहलाता है, जिसका निर्माण किससे किससे होता है, देखिए प्रोबोसिस का निर्माण किससे किससे होता है, लेबियम से, ठीक है लेबियम, फिर उसके बाद होता है हाइपोफैरिंक्स होता है, लेब्रम होता है, तो किन तीन भागों से मिलकर, किन किन भागों से मिलकर बना होता है प्रोबोसिस, लेब्रम लेबियम और हाइपोफैरिंक्स जो भाग जो होता है उससे मिलकर कौन बना हुआ होता है, प्रोबोसिस वाला भाग होता है। प्रोबोसिस का भाग क्या होता है, मेन रोल क्या होता है, टेकिंग फूड, इसका माउथ पार्ट्स कैसा होता है, जिसके मुख भाग या मुखांग जिसको हिंदी में कहेंगे, माउथ पार्ट्स कैसे होते हैं, स्पॉन्जिंग प्रकार के होते हैं, माउथ पार्ट्स आर कहाँ निर्माण होता है, हेड वाला रीजन जो होता है वहाँ पे मुख भाग का निर्माण होता है, हाउस फ्लाई में एंड कंपाउंड आइस संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं, दे आर थ्री ओसिलाई तीन ओसिलाई पाया जाता है, एक पेयर एंटीना पाया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया, देखिए प्रैक्टिकल और थ्योरिकल दोनों है, तो इसको अगर कॉमेंट्स में आता है तो पूरा कॉमेंट्स में लिखेंगे, देन डायग्राम बनाएंगे।